मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव की लेकर की पूरे प्रदेश में बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा मऊगंज विधानसभा के अंतर्गत पटेहरा पहुंची, जहां पर ग्राम पंचायत पटेहरा में जन दर्शन यात्रा के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। जन दर्शन यात्रा के मुख्य अतिथि भोजपुर स्टार रवि किशन रहे। इस कार्यक्रम में सुपर स्टार रवि किशन ने बीजेपी सरकार की विशेष रूप से लाडली बहना योजना का बखान करते हुए पुनः बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी की जीत और उसके लिए आशीर्वाद जनता से लेने आए थे कि मोदी जी का चेहरा, मामा जी का चेहरा मध्य प्रदेश में जो अभी हमारी लाडली बहनों को सब उपहार। उन्होंने वादा किया था कि इंडस्ट्रियल एरिया करेंगे, 550 एकड़ में 200 फैक्ट्री लगाने के लिए 550 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। हमारे मऊगंज शहर में फोर लाइन, हमारे हनमना शहर में फोर लाइन, मऊगंज में रिंग रोड, हनमना में बाईपास, चौरा घाट से लेकर के तमाम तरह के जो चुनावी वादे हुए थे उसको सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप सब लोगों ने वोट दिया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। बहुत जोश खरोश के साथ स्वागत किया। इस जोश खरोश के लिए मैं आप सबको अद्भुत स्वागत हो रहा है। जनता जनार्दन अपने घरों से निकलकर, जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगली सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देना है।